अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? इस वक्त मैं अपने गार्डन में हूँ। कुछ ट्रॉपिकल प्लांट की मैंने शॉपिंग की है। संडे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, सोचा आपसे शेयर करूँ अपनी शॉपिंग। वन बाय वन करके मैं एक प्लांट के बारे में आपको बताऊँगी और शेयर करूँगी आपसे। अच्छा, ये जो मेरा प्लांट है, ये मैंने कई अरसे से मैं इसको ढूंढ रही थी, लेकिन इस संडे मुझे ये मिल गया। लेकिन काफ़ी टॉल प्लांट है जो कि मिला है। ये शॉर्ट प्लांट में मुझे नहीं मिला, ना न्यू कटिंग में लगा हुआ ये प्लांट मिला है। ये है एसिएटिक लिली प्लांट। अगर मैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रही हूँ तो सॉरी। तो ये है एसिएटिक लिली प्लांट है, जिसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसमें कई कलर्स होते हैं, येलो, रेड, वाइट, और जिसमें से मुझे ये एक ऑरेंज जैसा मिला है। लेकिन इसकी कुछ जो बर्ड्स हैं, देखने में तो रेड लगती हैं, लेकिन ब्लूम होने के बाद कुछ ऑरेंज जैसी हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है ये। प्लांट मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि प्लांट के लीफ देखें आप, कितने ब्यूटीफुल और कितने फ्लैशी से हैं। बहुत ही ब्यूटी देता है ये गार्डन में। इसके अलावा मैंने और भी बहुत से प्लांट हैं जो लिए। इसकी एक दूसरी वैरायटी है, वैसे तो एक इसका जंगली प्लांट भी होता है जो कि वाइल्ड प्लांट कहलाता है। इस टाइप के उसमें लीव होते हैं, वो खुद ही अपने गार्डन में निकल जाता है। मेरे पास वो प्लांट है, हो सका तो वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी वो प्लांट भी। इसके अलावा इसकी एक दूसरी ये वैरायटी है वेरीगेटेड लिली। देखिए इसमें कितने कलर हैं और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये प्लांट। तो ये सोचा मैंने, ये मेरे पास प्लांट नहीं था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस वक्त मुझे सॉरी, मुझे बड़े बिग प्लांट मिले हैं और मैं छोड़ नहीं पा रही। कई अरसे से ढूंढ तो रही थी ये, लेकिन एक मेरा अच्छे अमाउंट में मैंने ये शॉपिंग की है। बहुत कोशिश की, जो इस टाइप के प्लांट होते हैं वो नहीं देते हैं। और बड़ी नर्सरी में मैं इस वक्त गई थी, जो कि मेन नर्सरी है, वहाँ से लिए हैं। तो वहाँ न्यू कटिंग बहुत मुश्किल से ही मिलती है, वो अच्छे प्लांट्स की कटिंग नहीं होती है। लेकिन ये जो लिली का प्लांट है, वैसे भी ये अलग अलग नहीं लगता है। जितनी जैसे इसकी थ्री ग्रोथ हुई हुई है, इसमें अगर इसको सेपरेट किया जाए तो ये प्लांट मोस्टली किल हो जाता है। तो अगर इसके अंदर सिक्स प्लांट हों तो आप थ्री थ्री प्लांट्स की, या फोर प्लांट हों तो टू टू प्लांट्स की सेपरेट पॉट्स तैयार कर सकते हैं। वरना तो थ्री प्लांट्स को कभी सेपरेट ना करें, ये किल हो जाता है। जैसे कि ये प्लांट इसमें नज़र आ रहा है, ये वाला एक किल हुआ हुआ है। तो ये तीन इसमें प्लांट्स निकले हुए हैं, एक ना एक कोई प्लांट्स किल हो जाता है। मदर प्लांट बहुत अरसे तक रहता है, बेबी प्लांट किल हो जाते हैं इसके। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्रोटॉन की कुछ वैरायटी है जो मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें से एक वैरायटी ये है। इसके अंदर बहुत ही प्यारा है, इसके अंदर देखिए येलो येलो सी डॉट निकले हुए। इसके कुछ एक कलम से नाम भी है जो कि उसे कॉल किया जाता है, इस प्लांट को याद आता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है और ये भी मुझे अच्छे प्राइस में ही मिला है। पहले भी मेरे पास प्लांट था तो कटिंग में मिला था, तो सरवाइव नहीं कर पाया ज़्यादा अरसे तक। तो ये मैंने सोचा इस वक्त बिग प्लांट ले लूँ और मैं कई प्लांट्स की इसमें से कटिंग निकाल कर कुछ सेपरेट प्लांट बनाऊंगी। तो मैंने सोचा ये प्लांट बड़ा ही ले लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे कोविड के बाद से बहुत ही कॉस्टली प्लांट मिलने लगे हैं बाहर से। वो यही कहते हैं कि बाहर से ही हमें इतने प्लांट इतने ही अमाउंट में मिल रहे हैं, तो वो नहीं किया उन्होंने कुछ। इस दफ़ा मैंने काफ़ी कॉस्टली ही प्लांट लिए हैं। एक तो प्लांट है जो मुझे थोड़े डिस्काउंट में मिले हैं। इसके अलावा क्रोकन की एक मैंने ये वैरायटी ली है, आप देखेंगी। इस कॉर्नर में मैंने लाके प्लांट रखे थे और इसी कॉर्नर मैंने वीडियो बना दी। खैर, बहुत क्लियर आ रहा है इसमें व्यू, तो मैंने सोचा कि यहीं बना ली जाए। ये देखें, ये प्लांट है, एक ये वैरायटी है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, येलो और ग्रीन के साथ। इसके बाद एक मेरा ऑरेंज और मल्टी टाइप का प्लांट है, इसी लीव में है। बस इसी का मुझे येलो ग्रीन मिला, मुझे थोड़ा फ्रंट पे कुछ कंट्रास्ट करना है, कुछ कलर ऐड करना है, उसके लिए मैंने ये और ये प्लांट लिया है। तो सोचा कि आपको भी दिखा दिया ट्रॉपिकल। इस दफ़ा मेरे ट्रॉपिकल प्लांट की शॉपिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा क्रोटॉन की एक ये वैरायटी है, देखिए कितना ब्यूटीफुल और
कितना कलरफुल है। इसके अंदर भी एक नीचे एक प्लांट निकला हुआ है। मैं चाहूँ तो एक कटिंग लगा सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने कॉस्टली प्लांट लिए हैं। अगर मैं कटिंग लगाऊँगी तो मुझे हाफ ऑफ प्राइस में पड़ जाएंगे। इसमें भी एक दो कटिंग निकली हुई हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मैंने दो दफ़ा लिए हैं, ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं छोटी कटिंग में। इनको बहुत केयर मांगती है। इसके अलावा मैं ये प्लांट्स लेने के अलावा मैंने एक ये प्लांट लिया है जिसका नाम मैं करते ही आपको नहीं बता पाऊँगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, देखिए बहुत ही टॉल सा प्लांट है। बस इसका मैंने बहुत कंफर्म किया कि मुझे एक छोटा बेबी प्लांट मिल जाए। उनका बेबी प्लांट नहीं होता, मोस्टली इसकी कटिंग नहीं लगती है। और ये प्लांट कटिंग से नहीं लगता है, ग्रो नहीं किया जाता है। और इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है, देखें वेरीकेटेड से इसके लीव में ऊपर जो ग्रोथ होती है वो पिंक सी होती है। ये चीज़ देखकर मुझसे छोड़ा नहीं गया और मैंने इसको परचेज़ कर लिया और अपने ट्रॉपिकल प्लांट की लिस्ट में इसको शामिल किया है। इसके अलावा मैंने एक ये भी प्लांट लिया है। ये बहुत अरसे से मुझे नज़र तो आ रहा था लेकिन मुझे इतने कम रेट में नहीं मिल रहा था। एक मुझे चाहिए था ये प्लांट है, ये है लेजर्ड वाइन। ये देखिए ये लेजर्ड वाइन है। ये वॉल पे जहाँ भी आप रखते हैं इसको वॉल पे डाल के थोड़ा सा फैला देंगे तो ये वॉल पे उसी स्टाइल में फैलती चली जाती है और ये वॉल पे बिल्कुल चिपक कर इसकी ग्रोथ होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये प्लांट भी जब इसकी ग्रोथ होती है, इसको वॉल को कवर कर देती है उस एरिए को। इतनी अच्छी वाइन है ये, वैसे ही वैसे इसकी ग्रोथ होती है जैसे जैसे वॉल होती है जैसी ग्रोथ होगी कि। तो कभी मैं इसको भी दिखाऊंगी आपको। तो ये बहुत अच्छे से ढूंढ रही थी मैं, ये भी मुझे प्लांट मिल गया है बहुत। इस दफ़ा मैं कतई नहीं बोलूँगी मुझे कम रेट में कोई प्लांट मिला है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाई क्योंकि कुछ मुझे ऐसे प्लांट थे जो कि मैं बहुत अरसे से ढूंढ रही थी और इससे डबल प्राइस में ये मुझे मिल रहा था। लेकिन जब इस सिंगल प्राइस में मिला और वो भी मुझे कॉस्टली लगा तो मैंने परचेज़ कर लिया, क्योंकि इस दफ़ा मुझे प्लांट लेने थे, छोड़ने नहीं थे। क्योंकि मुझे कटिंग लगानी है, कुछ मेरे आइडियाज़ हैं वो करना है, तो उसके लिए बिग प्लांट और टॉल प्लांट होना ज़रूरी था। तो मेरा एक अच्छा अमाउंट ही था कि मैं एक अच्छे अमाउंट में कम प्लांट ही परचेज़ करूँगी, सॉरी इसके लिए। अच्छा, एक ये मैंने ये प्लांट परचेज़ किया है, ये है फ्लोरिस्ट कैलनचुई प्लांट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। इसमें कई कलर्स होते हैं, एक कलरफुल कलर ऐड कर भी करता है, पता नहीं कि वही प्लांट है, कुछ डिफ़िकल्ट है। कलर्स भी आते हैं धूप में, लेकिन मैंने इसको अभी तो शेडेड एरिया में ही रखा हुआ है और माशाल्लाह से प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए इसकी जो है सैंड भी ड्राई ड्राई हो गई है, लेकिन ये प्लांट की अच्छी ग्रोथ है। और ये प्लांट भी अगर आप सिंगल लीफ उस पर भी लेते हैं तो भी ये प्लांट चलता है, लेकिन ये बहुत कम प्राइस में उन्होंने मुझे ये वाला प्लांट सिर्फ मुझे उन्होंने ऐसा बुशी सा प्लांट दे दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसकी कई कटिंग लगा के कई प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ, यहाँ से एक तो बहुत अच्छा, मेरे बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मेरा करने का इरादा नहीं है क्योंकि जिस एरिए मुझे रखना है तो वह मुझे इसमें प्लांट्स की नीड है, तो मुझे कुछ ऐसे बुशी ही प्लांट्स ही चाहिए। इसके अलावा मैंने एक ये प्लांट लिया है, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे मेरी प्लांट शॉपिंग देखकर। ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना जो कि मैंने पहले भी बहुत अरसे पहले फर्स्ट टाइम इसको परचेज़ किया था, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाया था। मेरे पास थोड़ा सा जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, सॉरी इसके लिए, कहीं कहीं मैं उसकी इतनी अच्छी केयर नहीं कर पाती हूँ और कुछ प्लांट की कर लेती हूँ। लेकिन इसकी इस दफ़ा मैंने कोशिश है कि ये एक स्टैम्प पे मैंने लिया है कि इसकी मैं एक अच्छी केयर करूँ और इसको थोड़े से ऐसे एरिया में रखूँ। पहले मैंने पता नहीं वाटरिंग ज़्यादा की थी या थोड़ा सा सनलाइट में ज़्यादा था, इसको हर चीज़ प्रॉपर ही चाहिए होती है तो ये प्लांट सर्वाइव कर पाता है। चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, कुछ और न्यू वीडियो में मैं आप और टॉपिक के साथ मिलूंगी। लेकिन उससे पहले ज़रूर मैं आपको प्लांट्स की प्राइस बताऊंगी वरना आप लोग नाराज़ होंगे। अच्छा, ये लिली वाला प्लांट मुझे मिला है 350 में। ये प्लांट्स मुझे ऐसा बुशी सा प्लांट मिला है 350 में। ये प्लांट
अच्छा यहाँ इतने ही रेट हैं, अगर अच्छी नर्सरी से आप परचेज़ करते हैं तो आपको इतने ही रेट में मिलता है। लोकल नर्सरी पे भी यहाँ इतने ही प्राइस है। इसके अलावा ये जो क्रोटॉन की वैरायटी है ये भी मुझे पड़ी है 300 में। ये 300 में ये प्लांट मुझे पड़ा है और मैंने फौरन ही परचेज़ कर लिया इसको भी। और ये प्लांट मुझे 250 में पड़ा है, बुशी सा प्लांट है, मुझे 250 में पड़ा है, 250 में मैंने ले लिया। इसके अलावा ये प्लांट भी उन्होंने 400 में ही बताया था और फिर उन्होंने मुझे 350 ही करके इस प्लांट के दे दिया, लेकिन इस पर फ्लावरिंग नहीं होती, कुछ वेरिएशन इसका ऐसा है। इसके अलावा ये प्लांट है, ये भी 450 में बताया था और ये 400 से कम का मुझे नहीं पड़ा है, मैंने 400 में ही लिया है। और वैसे तो देखने में बहुत बुशी सा है, देखें। इसके अलावा ये प्लांट है, ये भी उन्होंने 400 ही बताए थे इसके, फिर उन्होंने किस तरीके से मुझे 300 करके दे दिए और मैंने ये प्लांट फौरन परचेज़ कर लिया। वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो गई है। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, ये 250 के थे, इससे कम नहीं मिल रहा था। बस ये प्लांट मुझे, और वो भी एक वाइन पे लगा हुआ है, बस यहाँ से दूसरी ग्रोथ कर रही है और यहाँ से कुछ है एक में से ही, तो मैं दो भी लगा सकती हूँ क्योंकि नीचे रूट्स निकली हुई है, एक लगा सकती हूँ प्लांट। इसके अलावा ये है फ्लोरिस्ट प्लांट जो है, ये मैंने एक परचेज़ किया है कैलनचुई का, तो ये भी मुझे 250 में ही मिला है, तो ये मुझे 500 में टू प्लांट मिले हैं। चले, और इसके अलावा ये भी 300 ही थी, इससे बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मिल रहा था मुझे 300 के लिए। हालांकि ये प्लांट इतने का नहीं मिलता है, लेकिन मुझे छोड़ना नहीं था, बहुत दफ़ा से मैं छोड़ी थी एक जगह, तो 600 की थी, जब 300 की मिली तो मैंने फ़ौरन परचेस कर ली। वीडियो को एंड करते हुए, कुछ और न्यू वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मैं मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।